बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे, कोई कह रहा था गोली मारो सालों को, कोई कहता था, कोई कहता था, कोई कहता था आतंकवादी है। अगर गृह मंत्री कह रहे हैं इतनी जोर से बटन दबाओ क्रांति शाहीन बाग तक जाए, अगर गृह मंत्री ने बोलना ही था तो ये कहते कि इतनी जोर से बटन दबाओ क्रांति आम आदमी पार्टी को लगे, क्रांति कांग्रेस को लगे, ये शाहीन बाग का क्या मतलब हुआ? ये स्पॉन्सर दंगे हैं, ये स्पॉन्सर दंगे हैं, क्योंकि इनको दंगे करवाने आते हैं, इनके पास तजर्बा है गुजरात का, इनके पास तजर्बा है मुजफ्फराबाद का, इसके इनके पास तजर्बा है, ये दंगे करवाते हैं। वो एक मैं और बोलूंगा, कोई बात नहीं, बोलते रहो तुम, मुझे कोई परवाह नहीं, बोलते रहो तुम। दिल्ली दंगिया ते भगवंत मान ने बीजेपी सरकार ते तिखे निशाने साधे ते दिल्ली पुलिस दी नीयत ते सवाल चुके। मान ने कहा दिल्ली च जो दंगे होए ओहो प्री प्लान सी, बंदियां नू दिल्ली च बुलाया गया ता जो लोका दे घर दा नुकसान हो सके। मान ने कहा बीजेपी नू दंगे करवाउण दा तजर्बा वी है जिस नाल गुजरात सने होर सूबिया च होए ने। पहला वेखो भगवंत मान दी नवी वीडियो। बहुत ही गंभीर विषय पर बहस चल रही है, मैं सुन रहा था सभी को। सबसे पहले तो मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि सत्ता पक्ष कांग्रेस पक्ष के शासन के दंगे गिना रहा है, इधर वाले उनके दंगे गिना रहे हैं। ये कोई मुकाबला नहीं है कि किसके शासन में कितने दंगे हुए। दंगे चाहे बीजेपी के शासन में हो चाहे कांग्रेस के शासन में हो, उसमें मरता इंसान है। तो जो दिल्ली में हुआ पूरे देश ने देखा। इनके बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा डीसीपी को छरियां बोल रहे थे, वीडियो का उसका दस्तावेज है कि आपकी जरूरत नहीं है, हम खुद निपट लेंगे। उसको उसी वक्त क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, उसको उसी वक्त उस पर एफआईआर क्यों नहीं की गई? और तीन दिन तक दिल्ली की पुलिस क्या कर रही थी? जब दिल्ली की पुलिस ने आम आदमी पार्टी के किसी एमएलए पर कुछ झूठा मुकदमा करना होता है तो एकदम से आ जाते हैं, आधे घंटे में चुने हुए मुख्यमंत्री के घर पर छापा मारने आधे घंटे में पहुंच जाते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री के दफ्तर में पहुंच जाते हैं, तब बड़ी तेजी दिखाते हैं। इस वक्त तीन दिन क्यों लावार छोड़ दिया गया दिल्ली के जमुना पार इलाके को? पहले 84 में तीन दिन फौज नहीं गई थी, अब तीन दिन पुलिस नहीं गई। देखिए इसमें हिंदू भी मरे हैं, मुस्लिम भी मरे हैं, हिंदुओं की दुकानें भी जली हैं, मुस्लिमों की भी दुकानें जली हैं। जब चुनाव प्रचार चल रहा था महोदय, मैं भी चुनाव प्रचार कर रहा था दिल्ली में, हम लोग बात कर रहे थे स्कूलों की अच्छी शिक्षा की, हम लोग बात कर रहे थे मोहल्ला क्लिनिकों की, हम लोग बात कर रहे थे फ्री इलाज की, हम लोग बात कर रहे थे बिजली की पानी की, हम लोग बात कर रहे थे औरतों की सुरक्षा की, हम लोग बात कर रहे थे जो दिल्ली की डेवलपमेंट की। और ये लोग बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे, कोई कह रहा था गोली मारो सालों को, कोई कहता था, कोई कहता था, कोई कहता था आतंकवादी है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आतंकवादी कहा गया और कपिल मिश्रा कह रहा था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, क्या ये कोई मैच हो रहा था? अगर गृह मंत्री कह रहे हैं इतनी जोर से बटन दबाओ क्रांति शाहीन बाग तक जाए, अगर गृह मंत्री ने बोलना ही था तो ये कहते कि इतनी जोर से बटन दबाओ क्रांति आम आदमी पार्टी को लगे, क्रांति कांग्रेस को लगे, ये शाहीन बाग का क्या मतलब हुआ? तो ये इन्होंने कानून बनाया है,
और अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं आप वहां शाहीन बाग क्यों नहीं गए, भाई कानून तो आपने बनाया है, विरोध आपके कानून का हो रहा है, तो हमारा क्या उसमें लेना देना, पुलिस तो हमारे पास भी नहीं है ना। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ, एक ही रंग के पत्थर, लाल रंग के पत्थर, एक ही रंग के पत्थर हैं पूरे इलाके में, एक ही रंग की गुलेल हैं। बाहर से गुंडे लाए गए, उनको एक स्कूल में ठहराया गया, उनके खाने पीने का प्रबंध किया गया, और वो रात को आते थे काम करके अपना, फिर सुबह चले जाते थे। ये स्पॉन्सर दंगे हैं क्योंकि इनको दंगे करवाने आते हैं। इनके पास तजर्बा है गुजरात का, इनके पास तजर्बा है मुजफ्फराबाद का, इसके इनके पास तजर्बा है, ये दंगे करवाते हैं। वो एक मैं और बोलूंगा, कोई बात नहीं, बोलते रहो तुम, मुझे कोई परवाह नहीं, बोलते रहो तुम। हाँ देखो अभी तक गृह मंत्री वहां नहीं गए, योगी जी मुख्यमंत्री, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री यूपी के योगी जी यहाँ पे आके कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है। अध्यक्ष महोदय मुझे ये बता दीजिए, क्या कोई आतंकवादी स्कूल बनाता है, क्या कोई आतंकवादी मोहल्ला क्लिनिक खुलवाता है, आधा मिनट सर, और क्या कोई आतंकवादी किसी फौजी जवान की शहादत पर, और जब किसी दिल्ली के पुलिस वाले की ड्यूटी दौरान शहादत के बाद 1 करोड़ रुपए का चेक लेके जाता है, तो दिल्ली वालों ने बता दिया इलेक्शन में कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी नहीं, उनका बेटा है, उनका भाई है। और मैं कंपनसेशन की बात करता हूँ सर, 10 लाख रुपया दिल्ली गवर्नमेंट उनको दे रही है जिनके मौत हो गई, और 5 लाख रुपए पर फ्लोर जिनके घर जल गए, अगर 4 फ्लोर का घर है तो 20 लाख मिलेगा, किराएदार को भी 1 लाख रुपया उसके सामान का मिलेगा, 2.5 लाख रुपया जो पार्शली घर जले उनका मिलेगा। आज दोपहर तक महोदय 6 करोड़ रुपया हम मुआवजे के रूप में बांट चुके हैं। मैं यही कहूंगा आखिर में कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। भगवंत मान अपने अंदाज करके मशहूर ने, इसे करके संसद च थोड़े समय च अपनी पार्टी की गल रख दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी टीवी।